हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और बहुत मज़े कर रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ। मेरी एक फ्रेंड हैं जो बाहर घूमने गई हैं, तो कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपना इंडोर प्लांट्स मुझे दे दिए हैं संभालने के लिए। इंडोर प्लांट्स की सबसे बेस्ट पार्ट होती है, दो चार दिनों में थोड़े से वाटर स्प्रिंकल कर लीजिए और प्लांट्स बहुत अच्छे से उनकी केयर हो जाती है। ये मेरा छोटा सा गार्डन, मैंने ना अभी हाल फिलहाल में ही गार्डनिंग शुरू की है, सो मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स का कलेक्शन नहीं है। मगर मैं जब इन प्लांट्स को अच्छे से ग्रो होते देखती हूँ, हेल्दी होते देखती हूँ, तो मुझे सच में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है और बड़ा अच्छा सा लगता है। इनके केयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है प्लांट्स बच्चों जैसे ही हैं, उन्हें काफ़ी मेंटेनेंस एंड केयर की ज़रूरत होती है। कभी कभार किसी भी वजह से कम पानी या ज़्यादा पानी डल जाने से अगर कोई प्लांट ख़राब होने लगता है तो थोड़ा बुरा भी लगता है। मेरा ना पूरा ध्यान उसी में लगा रहता है कि कैसे मैं उस प्लांट को ठीक करूँ। थोड़े बहुत टिप्स मैं अपने पेरेंट्स से भी लेती रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि उनको गार्डनिंग का बहुत शौक़ है और उनके पास बहुत बड़ा गार्डन है जिसे उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के कलेक्शन के साथ मेंटेन किया हुआ है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि किसी व्लॉग में मैं आपको उनके गार्डन को कवर कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ। मैं 10-15 दिन में थोड़े बहुत प्लांट्स को चेक करती रहती हूँ कि उनमें एंट्स तो नहीं लग गए हैं या कोई स्पाइडर वेब का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बड़ी जल्दी स्प्रेड हो जाता है। पीले पत्ते भी जो होते हैं मैं उन्हें थोड़ा काट देती हूँ जिससे कि प्लांट्स देखने में अच्छे लगे रहें। जैसे ये देखिए, मेरे स्नेक प्लांट में भी एक पत्ता पीला पड़ने लग गया है। गार्डनिंग के बाद मैंने सोचा फटाफट बच्चों के टिफ़िन बना लूं। आज मैं बच्चों को टिफ़िन में पालक कॉर्न के सैंडविच देने वाली हूं, जो सुपर हेल्दी एंड सुपर टेस्टी है। आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे, इवन बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने पालक को अच्छे से वॉश करने के बाद रफली चॉप किया एंड पैन में बटर के साथ कॉर्न एंड पालक को सौते किया। सौते तब तक ही करना है जब तक कि उसका पानी थोड़ा सूख जाए। फिर उसमें ऑरिगेनो या जो हर्ब्स का फ्लेवर आपको पसंद है वो, ब्लैक पेपर एंड नमक मैंने मिलाया और लास्ट में थोड़ा सा मेयोनीज मिलाया। ब्रेड में उसको स्प्रेड करने के बाद मैंने ब्रेड को ग्रिल पैन में बटर के साथ दोनों साइड से फ्राई कर लिया। अच्छे से क्रिस्पी दोनों साइड से गोल्डन फ्राई होने के बाद ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ऊपर से एकदम क्रिस्पी एंड अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही यमी लगते हैं। बच्चों के टिफ़िन में मैंने उसको पैक करने के बाद थोड़े फ्रूट्स पैक किए, फिर बच्चे स्कूल चले गए। आज यहाँ मैंने मेहंदी वाली को अपने घर पे बुलाया है करवा चौथ के लिए मेहंदी लगाने के लिए। मैं एक दिन पहले या दो दिन पहले ही मेहंदी लगा लेती हूँ हर बार, क्योंकि फिर ये मेहंदी वाले ये बहुत बिजी हो जाते हैं और फिर टाइम मैनेज नहीं कर पाते हम उनके साथ। ये देखिए, हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे सुपर एक्साइटेड थे मेहंदी लगाने और मेहंदी लगना देखने के लिए। ये मेरी फ्रेंड है, उनका बेटा है। स्कूल में चलेगा? हाँ, ये मेरा बेटू। काफ़ी टाइम तक तो इन बच्चों को समझ में ही नहीं आया कि वो क्या डिज़ाइन बनाए अपने हाथों में। बाद में वो इस एग्रीमेंट में आए हैं मेहंदी वाली के साथ कि चलिए नाम ही लिखवा लेते हैं अपने हाथों पे। दिखाओ रियाल। वाह, इस साइड से। अरे वाह। बच्चों के बाद अब हमारा टर्न आया है। ये मेरी फ्रेंड हैं जो अभी लगवा रही हैं। मैं ना पहले बच्चों से पहले हर तीज त्यौहार में मेहंदी लगाया करती थी। मुझे मेहंदी का इतना शौक था, लेकिन अभी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है,
इसलिए अभी सिर्फ करवा चौथ पे लगा। ये बच्चों को हमने मूवी देखने बैठा दिया था क्योंकि उनके हाथों की मेहंदी भी सुखानी थी। मेरे टर्न में मुझे मेहंदी का डिज़ाइन ही नहीं समझ में आ रहा था। उन्होंने मुझे इतने सारे डिज़ाइन दिखाए, इतने अच्छे लग रहे थे सारे, कि मैं कंफ्यूज ही हो गई। मुझे लग रहा था करवा चौथ में ही तो मैं लगाती हूँ, तो थोड़ा भर के अच्छा सा लगवाऊँ। फाइनली मैंने ये डिज़ाइन पसंद किया। आजकल मधुबनी डिज़ाइन भी बहुत ट्रेंड में है। ये देखिए कितना फास्ट लगाती हैं ये, मुझे इतना मज़ा आया उनसे लगवाने में, बहुत ही अच्छा उन्होंने लगाया। शाम को सबको थोड़ी भूख लगी थी तो मैंने झटपट क्या बनाऊँ ये सोचकर मैंने राइस बॉल्स बनाने का सोचा। ये सुबह के लेफ्ट ओवर राइस हैं जिसके साथ मैंने बॉइल्ड आलू लिए हैं। ये ना स्नैक्स बड़ी जल्दी बन जाता है और बड़ी ही टेस्टी एंड बहुत अच्छा लगता है, आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने गार्लिक मसाला पाउडर यूज़ किया, डाला है उसमें, प्लस ब्लैक पेपर एंड थोड़ा नमक। जो ये गार्लिक मसाला है ये बहुत टेस्टी है, आप इसे गार्लिक ब्रेड में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने सारे मसाले मिलाने के बाद उसको अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद हाथ में ऑयल ग्रीस करके उनके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए। आप चाहें तो कोई और भी शेप दे सकते हैं, आप कटलेट शेप में भी इसको बना सकते हैं, बट मैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने बॉल्स शेप दे दिए। अगर आप कटलेट शेप में बना रहे हैं, आप चाहें तो इस चीज़ को, इस राइस बॉल को आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बट आज मैं इन्हें डीप फ्राई करके आपको दिखाने वाली हूँ। बॉल्स ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे सारे के सारे, तो मैंने एक तरफ कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया, दूसरी तरफ मैं इन बॉल्स को ऊपर से रवा का एक लेयर लगा दे रही हूँ जिससे कि ऊपर क्रिस्पी एंड काफ़ी अच्छा टेक्सचर आ जाता है। तेल गरम होने के बाद मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दिया था और फिर मैं इन बॉल्स को इनमें डाल दे रही हूँ। इनको हमें धीरे धीरे पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। सारे गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इनको पकाया और ये देखिए ऊपर से थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लीजिए और चटनी या सॉस के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।